हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मिस्टिक मंदार और आपके मिस्टिक मंदार चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाउ टू अर्न ऑनलाइन सीरीज का 26वां दिन है। 26 दिन तक मैंने अलग अलग वेबसाइट के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा जिससे आप 26 दिन में क्या सीखे वो आगे कंटिन्यू करोगे ये डिसाइड होगा। आज के ये वीडियो में ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी बिजनेस हो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये 3 चीजें आप में है, ये क्वालिटी 3 चीजें है तो ही आप बिजनेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे डिसाइड होगा। तो दोस्तों, बारिश गिर रही है, पीछे से नदी भी आ रही है, छोटा सा रिवर भी है यहाँ पे आ रहा है, तो ये एटमोस्फेयर पे मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ये 3 चीजें कौन सी है जो डिसाइड करेगी आप बिजनेस में सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। या दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बने रहना, मैं वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी 3 बातें शेयर करूंगा। पहली चीज, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सिर्फ कंसिस्टेंसी। आपको फल की चिंता नहीं करनी है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मैं सिर्फ यही बात बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो अपलोड करना है अगर यूट्यूबर हो तो, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करनी है अगर फेसबुक पे आप वीडियो बना रहे हो तो, या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो डेली 1 पोस्ट, डेली 4 पोस्ट जो आपने डिसाइड किया वो डेली होना चाहिए। आपका सेल्स कभी आएगा पता नहीं, इसके ऊपर फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में रिजल्ट ही महीने के बाद चालू होते हैं, तो कंसिस्टेंसी आपने होनी चाहिए। आप अगर कोई भी काम आज कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग का, ऑनलाइन बिजनेस का, तो आपको आज रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको आज रिजल्ट चाहिए तो मत छोड़ ये काम करो, रास्ते पे बैठ के सब्जी बेचो वो तुरंत पैसा मिलेगा। आपको ऑनलाइन बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो आज के आज रिजल्ट नहीं आएंगे। तो 3 महीना आपको इंतजार करना है सिर्फ कंसिस्टेंसी। 3 महीना भी इंतजार क्यों करना है, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हो, क्वालिटी इंप्रूव करते हो तो 3 महीने में रिजल्ट आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कंसिस्टेंसी पहला है। दूसरा है नो एक्सक्यूजेस। देखो, कोई भी सिचुएशंस पे ना एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया इसका एक्स वाई जेड रीजन है, आज मैं ये नहीं कर पाया इसका एक्स वाई जेड रीजन है। ये जब तक एक्सक्यूजेस आप दोगे तब तक आप ग्रो नहीं हो पाओगे। मेरे लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे दिए पहले के लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और मैंने उसका जो भुगतना था भुगत लिया। लेकिन वो चीज़ें करने के बाद, लॉस करने के बाद मैं चीज़ें समझ रहा हूँ और मैं मेरा ऑनलाइन एम्पायर ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें जान लो। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें जानी है, मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखो, जानना और इम्प्लीमेंट करना, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो नो एक्सक्यूजेस, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, सेकेंड है नो एक्सक्यूजेस, थर्ड चीज़ कौन सी है, थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ ये है कि आपको कुछ इग्नोर भी करने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हो, खुद के बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं आपके, बहुत सारे ऐसे पहचान वाले लोग हैं जो आपको निगेटिविटी में डालेंगे, ये आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, ये क्या चीज़ें कर रहे हो, तो बहुत सारे रीजन्स आपको देंगे, तो आपको उनको इग्नोर करके आना चाहिए। देखो, एक मेरे गुरु ने कहा है कि 3 चीज़ों के ऊपर आदमी का ग्रोथ डिपेंड होता है। एक तो चीज़ है आप उसका रिवेंज लेते हो, मतलब किसने बैक आंसर किया, निगेटिविटी डाला तो उसका बैक आंसर करते हो, तो उसके लिए आप निगेटिविटी ये कर रहे हो, तो वो चीज़ डिपेंड है। निगेटिव का बैक आंसर कर रहे हो तो आप ग्रो नहीं हो पाओगे। उसको अगर छोड़ देते हो, मतलब एक्सेप्ट करते हो, तो आप मीडियम सक्सेसफुल हो जाओगे, और इग्नोर कर देते हो वहाँ पर ही छोड़ दो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों। तो इग्नोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे निगेटिव चीज़ों से, ऐसे निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए बीच में टांगड़ाते हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपने, 3 क्वालिटी है क्या, फर्स्ट चीज़ कंसिस्टेंटली, दूसरी चीज़ नो एक्सक्यूजेस, और तीसरी चीज़ इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 क्वालिटी अगर आप में है तो ही आप ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर सकते हो, वरना आज ये वीडियो देखने के बाद जो कुछ कर रहे हो वो छोड़ दो, जॉब कर दो या रास्ते पे सब्जी बेचो। देखो, सब्जी बेचना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप में पेशेंस ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में पेशेंस है, ये 3 क्वालिटी है, तो आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, होप ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। अगला वीडियो मिलने तक, मैं मिस्टिक मंदार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।